Hi guys, good morning. Welcome back to another vlog. ये हमारे साथ ही चौधरी जुनैद अहमद गोरसी साहब भाई मेरी इन बंदू से आके यहीं पे यारी हुई शेर जमान के। तुम शेर जमान कहाँ गए? निकल गए ना? निकल गया निकल। तो आज हम कॉलेज की तरफ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ जगह का पता है? दो तीन जगह जा रहे हैं, बोल्डर पार्क जा रहे हैं, दो तीन किले देखने जा रहे हैं, हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल भी आज ही देखेंगे? हवा महल भी आज। मैंने सोचा कैमरा आएगा अच्छे से व्लॉग में, कोई नहीं वो अच्छे वाला व्लॉग बाद में बनाने। चलो बाकी सारे बंदे चले गए गाड़ी में, भाई ये जगह नहीं बाद में मिलने वाली। खैर शेर वो नीचे वेट कर रहा है। सच बताऊं तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं गाड़ी में कैसे व्लॉग करूँगा सारे ओपरे चोपरे बंदे, और एक तो मैं 4-5 महीने हो गए मैंने व्लॉगिंग सही से करी। शेर जमान टपक आया है भाई। भाई गाड़ी तो नहीं आई अभी तक? गाड़ी आई हुई है। कौन बोल रहा आई हुई? अच्छा आगे लगी हुई है। चलो गाड़ी में बैठते हैं। भाई भाई पहले से फुल हो चुकी है ना, जैसे ही मेरा कैमरा निकलता है ये फट से शांत हो जाते हैं भाई। वाओ यार मुझे अभी तक पता नहीं इस स्पॉट का नाम क्या है। खैर अभी मुझे गूगल करना पड़ेगा, पहले मैं गूगल कर लेता हूँ उस जगह के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है, तो उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे। घूमते घूमते इसमें पूरा दिन निकल जाएगा जितनी बड़ी ये जगह दिखती है। लिटरली वहाँ से ले कर वहाँ उस यहाँ पर भी लेक है, यहाँ पर एक अंबर पैलेस मैंने इसको देखा है शायद गूगल पे मे बी। तो अभी मैंने गूगल करा और गूगल से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, सच बताऊं तो पहले कब आया मैं राजस्थान तो पता ही नहीं था, और कॉलेज वालों से जो मैंने पूछा ही नहीं था। मैंने अभी जयगढ़ फोर्ट है ये, और ये 1726 में, गूगल की इन्फॉर्मेशन है गाइस, पता नहीं एक्यूरेट होगी नहीं होगी, 1726 में राजा स्वाय जय सिंह ने इसको बनाया था, और इस पे आज दिन तक 436 जंगें हो चुकी हैं इस किले के अराउंड, मतलब इसी किले के ऊपर। और इस किले की जो पूरी इलाका जो एक्सटेंशन है वो देखे, बहुत बड़ी जगह। और ये साइड पे ये है अंबर पैलेस एंड दैट इज द फोर्ट्स एरिया पूरा का पूरा ऊपर वाला। ये जा रही है हमारी पूरी की पूरी पलटन, उस साइड से आई गेस वो फाउंटेन शो वगैरह वगैरह था, वहाँ से भी कुछ एंट्रेंस थी पर हम उस साइड से नहीं गए, वहाँ से घूम के सीधा इस साइड से सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ से मेन एंट्रेंस होने वाली है, गाड़ियों की पार्किंग जो है वो वहाँ पे है, आगे भी होगी जहाँ तक मुझे तो अब कुछ क्लियर नहीं है। मैं खड़े मार जा रहा हूँ मैं। मैंने लाया नहीं कुछ कबूतरों के लिए यार, मैंने भी कुछ नहीं लाया, इट्स ओके। वाइड भाई हमारे पहले से सब्सक्राइबर थे तो ये कुछ इंटर हो रहे हैं हम निहार कर। वाओ ये हां निहार को वाओ। तो यहां पे एंट्रेंस के आगे हमें थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री आई गेस लिखी हुई है, ये inscriptions of Barnala 3rd century AD की। टू ये पिलर्स इंस्टॉल वर डिस्कवर्ड बाई द एमिनेंट आर्कियोलॉजिकल, ये यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो और इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो। दीज पिलर्स आर फ्रॉम 3rd century AD, आज से अराउंड 1800 ईयर्स ओल्ड। डैम यार इसको, इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है संस्कृत और व्हाट? संस्कृत भाई ऐसे लग रहा है जैसे भाई इंडस वैली की ये ना वो पूरी माइंड ये पूरी संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। डैम हां, और वो वहां पे उसने क्या पोज दिया हुआ है शिपकली ने, ये कुछ व्यू। चल चल तू भी रॉयल्स वाली एंट्रेंस ले। वैसे ये मुझे लगता है ये वाला व्लॉग दोबारा बन गया है प्रॉपर कैमरा पे, मतलब हां आएंगे हम। चल अच्छा ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ बाजार बनाया हुआ। गंद डालने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए ना, थोड़ा सा हाइट से आके कुछ ये वाला व्यू है यहाँ का। वो कुछ द वॉल लग रही है भाई, चाइना वॉल के जैसे दिख रही है। हर जगह पे छोटी 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 कुछ न कुछ मार्केट्स लगी हुई, और ये सेल्फी स्टिक्स तो बहुत ज्यादा बिकती है। एक इधर से भी है ना ये, और एक वो उधर से, मल्टीपल एंट्रेंसेस। और वो कैमरा देख, ये कैमरा देख के मुझे लग रहा है थी बेट के कैमरे से भी 16 के कैमरा लगाया हुआ है। ये देखना देखना देख कैमरे की लेंथ देख, और कुछ 4 इंच का उसमें सिर्फ सेंसर लगा। यहाँ से मैं आपको पैलेस का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मस्त लाइफ थी यार। पर रॉयल्स की बेचारी बाकी वाली जो क्लास होती थी वो तो दबी रहती हमेशा। हाथी बात कम है। अरे कहना क्या चाहते हो? चल चल हाँ
ये ठीक है। यहाँ से हमने ये खंडर देखा भाई, इतना अच्छा महल है पीछे, इतना अच्छा फोर्ट है, और हमने इसी खंडर में जाके फोटोज खींचने हैं। हर जगह की एंट्रेंसेस आज दिखाऊंगा है। वाह, ये दरवाजा खुलता होगा, और कम से कम ये दरवाजा ना 10 बंदों की हेल्प से खुलता होगा। होली काउ, थोड़ा थोड़ा ना फुहारे विजन्स के, ये मैं ऑन करता था बहुत बार ऑन। ओए होए, अच्छा ना ना। ओए, हमारे साथ वाले कहाँ गए यार? बाकी ये इधर कब का आया हुआ? कब का आया? इधर आके कर क्या रहे हो तुम लोग? मेरी परमिशन के बिना इतने लोग अंदर किसने आने दिए? करेगा इसके बिना धूप। अच्छी जगह यार, ऐसे ही देख लो विदाउट म्यूजिक, एडिटिंग में आसानी हो जाएगी ना। लाइटिंग की तो मजा तो तब वाओ यार, आवडा नहीं ले लो ना, वो सभी लेगा फोटोग्राफी। ये आगे यार आप व्लॉग में, ये बंदे हमें छोड़ के भाग के आगे नीचे थे यार, सीधा नहीं नहीं मुझे बच्चे मैनेज करने दे यार, थोड़ा रहने दे यार, दरबार में हाजिर होने का बादशाह के दरबार में, तो बादशाह पीछे है तो दरबार में पीछे आ गया। हाजिर लोग कौन है ये लोग? वही फोर्ट बहुत ऊपर है यार, मेन वाला मतलब ये पैलेस आ गया, और इसके ऊपर जो वहाँ पे वो गाइस देख रहे हो आप, गाइस फोर्ट वहाँ पे है। पैलेस के अंदर भी SBI का ATM है, अगर वो रॉयल फैमिली आज दिन तक जिंदा होती तो वो अपने घर के अंदर ही घर के अंदर ATM रखते। घर ही इतना बड़ा है, देखना वो कहाँ से शुरू हो रहा था नीचे से और ऊपर तक जा रहा है। ATM वो तो क्या मस्त नीडेड था भाई ये। हम जो है मेन जो अंबर पैलेस है उसके अंदर वहाँ पे घूम के आए, और वहाँ से ऊपर जाने का एक्चुअली था कुछ सीन, और वहाँ पे वो टिकट्स दे रहे थे कुछ 100 रुपीज़ की, मैंने तो प्रतीब ने वो वर्थ नहीं समझी, सीधी सी बात है ना। हाँ नहीं थी ना, और मैंने कुछ फोटोज देख रहे अंबर पैलेस के, ये लाइट्स लगी हुई, ये रात को जलती हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, बस हाँ RGB जलती हैं, और इतनी सही लगती हैं, लिटरली इतनी सही लगती है। मैंने ये लगाया हुआ चश्मा क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे नीचे से जैसे वो उठता है ना, सारी सारी रिफ्लेक्शन लगती है आपके सम्मी, फेस पे। सम्मी तो अपने चैनल पे लगा हुआ है, व्लॉग कर रहा है कंटिन्यूअसली, और अभी हमने अंबर पैलेस का ये है कुछ यहाँ से जी, अंबर पैलेस का वो ऊपर से ऐसे ऐसे सारे उकड़ के मुंह निकाले हुए कि कभी किसी ने कहीं से किसी ने कहीं से। ओहो गर्मी जलालत, फिर भी घूमना तो आई है, मेरी बाजुओं पे पसीना आ रहा है यार, शुक्र है कुछ लगा के आए थे। तो ये वाला जो रास्ता है एग्जैक्ट ये जाएगा ऊपर फोर्ट पे, पता नहीं ये राजा की गाड़ी गाइस पधार रहे हैं, हमारे राजा मॉडर्न राजा। मुझे एंट्रेंस की वीडियो तो लेने दे, इस पे कितनी तीरें लगी होंगी भाई, ये तीरों के निशान है नहीं पुरान, मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके, क्या ह्यूज यार, पत्थर कैसे काट के लगाया हुआ है, अरे राउंड 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 शेप का दरवाजा खुलने के लिए। बाकी सारे वो वहाँ पे क्या कर रहे होंगे भाई अभी तक अंदर? हाँ, हैं बस आए वहीं पे ठूसना स्टार्ट, वो भी कोई व्लॉग देखेगा बीच में तो। हाँ, अंदर अंदर ये जी पैलेस, वो है जी ऊपर वाला जो भी फोर्टिफिकेशन है इसकी, वहाँ तक इंडिया का झंडा लगा हुआ है, जहाँ तक चल सके ना जान रही चलते रहेंगे भाई। गाइस ये देखो dil.s भाई मोहब्बतें इधर भी जाए, हर जगह अभी दिल बनाने की जात नहीं, अंडा बना के बीच में लिख दिया आई लव दिस आई लव दैट, यहाँ से चढ़ के चले देखते ना यार, समी विल हैव टू चेक ना, आ जा। हाँ ठीक है, शायद ये भी वहाँ से जाके एग्जैक्ट वहाँ पे लग जाए। एक यूपी के भाई अपने मिले, राधे श्याम है, खैर अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे, बाकी सारे बंदे उधर छोड़े हमने, पैलेस यहाँ से क्या बड़ा दिखता है भाई, और ये दीवारों पे मैं दुनिया इसको पक्का पेनल्टी पड़ने वाली है, दीवार पे चढ़ा हुआ है, दुनिया चल रही है रास्ते पे, हम चल रहे हैं आके यहाँ दीवारों पे, और दीवार की विड्थ देखो भाई, इसको इसको कोई तोड़े तो अभी ये मुझे टोटल दीवार ये रेनोवेशन के टाइम पे नहीं बना, ये टोटल उसी टाइम का दीवार, टोटल उसी टाइम के, और वो उस साइड पे भी है वैसे ही। देखो देखो भाई देखो क्या हो रहा है भाई, तबाही थी तबाही यार, 436 बैटल और उनमें से हर जगह यहाँ पे पूरी जगह हॉन्टेड है। कहाँ पे भाई? वो नीचे जो लेक है ना, वो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, हाँ। उस लेक के अंदर अगर कोई स्कूबा डाइविंग करेगा ना, वहाँ पे पक्का हड्डियाँ मिलेंगे, स्केलेटन्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स है। हाय गाइस, सॉरी यार मैं पता अभी यहाँ पे आके बैठा हुआ, ये
फोर्ट की जो मेन ऊंची वाली दीवारें जहाँ से ऐसे नीचे भाई तीर अंदाजी चलती थी, और ये घर वाले व्लॉग देखने में मेरे को बेइज्जती पड़ेगी, पर यहाँ से नीचे इतनी ज़्यादा हाइट है, इतनी ज़्यादा हाइट है, क्या बताऊँ। ये मेरे पीछे नीचे पूरी की पूरी वो दीवारें, और ये आ गया जी हमारा जो उसको क्या बोलते हैं अंबर पैलेस, और ये फोर्टिफिकेशन जयगढ़ फोर्ट की। तो यहाँ पे फोटोज बड़े कूल आ रहे थे बाय द वे, अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है गाइस मेरे को देख के कुछ पैसा ट्राई नहीं करना, आप आके यहाँ पे मत मिलो ही ना घर वालों को। यहाँ से अगर नीचे गिर गए ना तो गेंद 300 मीटर हाँ सच में इतनी हाइट है ना भाई, देख मेरे दिमाग में गूगल एल्टीट्यूड ये गो आजा नीचे, अभी नीचे उतर पहले, लेट्स गो। क्या लगता गिर गया ना तो मुझे नहीं, यहाँ से तुझे हटियो में रुक ना, मेरा नहीं लेगा फोटो, देखा खुद गर्व इंसान। बस किले देखने के चक्करों में मेरे दांत टूट गए थे। तो मसला यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि भाई हम आए थे अंदर टिकट्स लेने के लिए, यहाँ पे किले में उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ, भाई सरासर लूट मार चल रही है, ये तो मसला है ना यार। खैर मोदी जी की सरकार है, हम क्या बोल सकते हैं। ये पकड़ो यार, पता है मसला, मैं आपको बताऊं, ये हमें मिला है 300 रुपए में, और वहाँ पर लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स को मतलब 75% का 75 रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा डायरेक्ट। ये देखो ये लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स के लिए हम कॉलेज के साथ यहाँ पे आए हुए आके, फिर भी हमें वी हैव बीन चार्ज्ड RS 150 रुपया, 300 फॉर 2 पर्संस। वाओ ये है कुछ एंट्रेंस, मुझे लग रहा है वर्थ है यार, तो ये उसी जमाने की रखी हुई है ना कार्स, उस जमाने के कार्स भाई, क्या हाल। और ये उस जमाने का हूवरबोर्ड नहीं, ये डंबल है तुम्हारे रेडी हो गए, सब चैनल पर भी अच्छा, यहां पर कैनन्स को अंदर से ड्रिल किया जाता था, मतलब पत्थरों को अंदर, ये उसी जमाने की रखी हुई गाइस, देख रहे हो आप लोग, वाओ। ये तो बड़ी खुशबूरत जगह है गाइस, वो नीचे हमारे जो पैलेस, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं मैं कहूँ तो। वाओ अब जाके यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सही व्यू आ रहा है गाइस। घूमते घूमते हम यहाँ पे पहुंचे हैं 1694 AD की बनी हुई कैनन, भाई साहब दिस लुक्स ग्रेट यार, कितनी जबरदस्त चीज लग रही है। ये उसी जमाने की बनी, मुझे नहीं लग रहा यार, नहीं उसी जमाने की लोहा है ना लगा हुआ इसमें, और यहीं पर ड्रिल हुआ है ना, इसी जगह पर ड्रिल हुआ है तो नहीं, ये लोहे को इतना सही से कैसे फॉर्ज किया हुआ था, देख तो सही, वही तो बोल रहा हूँ, इधर ड्रिल हुआ है ना ये साथ में। और ये जो इसको लेके आगे पीछे जाने वाली कार्ट्स, डैम यार यार ये दीवारें, मैं जितनी बार मैं इन दीवारों को ये सारा कुछ देखता हूँ बस मैं फैसिनेट हो रहा हूँ, मतलब इतनी ऊंची दीवारें चढ़ाई हुई, इतना बड़ा किलोमीटर लॉन्ग फोर्ट बनाया हुआ सिर्फ किसके लिए, इंसानों की जाने बचाने बस, इंसानों की रक्षा के, किससे बचाने के लिए, की भी नहीं, इंसान भी मर रहे थे, जस्ट टेरिटरी, जस्ट टेरिटरी दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि वी आर पावरफुल, ये पावर का एक जरिया होता था दिखाने का, मतलब इतने बड़े बड़े, वैसे हम इस पे क्यों डिबेट कर रहे हैं, आप लोग फोर्ट देखो यार, हम चलते चलते ये कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गए, पता नहीं कितनी हॉन्टेड प्लेस होगी ये, यहाँ से अंदर जाऊँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ पे आके पहुँच गया हूँ, वहाँ पे ऊपर कुछ बंदे हैं, मैंने सोचा मैं अकेला हूँगा पर अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे अंदर कुछ कूलर्स लगे हुए हैं, एंड व्हाट इज़ दिस, अच्छा ये फाउंटेन्स आई गेस यहाँ पे बनाए गए, तो ऐसे कुछ करके मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ से अंदर भी रास्ता है, मल्टीपल एंट्रेंसेज हैं पर मसला यूँ है कि एक भी एंट्रेंस जो है खुली नहीं है, इसको ढूंढ रहा हूँ, और ये महाराज को बुलाया जा रहा था ना भाई, क्या करे महाराज, महाराज के लिए अनाल, और ये पूरा का पूरा क्या है, संगमरमर, टोटल मार्बल यार, क्राफ्ट मार्बल मेरी जान, क्राफ्ट मार्बल कार्व्ड, और ये उठाए देख कैसे लोग आजकल, ओ भाई यहाँ पर मैं सुबह जा रहा था, ये क्या जगह लग रही है यार, बिना म्यूजिक के देखो, मज़ा आया, घूमते घूमते हम कहीं अंदर आ गए इस किले के, ये कुछ कमरे वमरे यहाँ पे अतीब कहीं पे घूम गया है, और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ मिली है देखने के लिए, वाह यहाँ पे शायद फ़ोटो या खींच सकते हैं, हाँ खींच सकते हैं, ये है कुछ यहाँ पे, अगर आप लोग पॉज करके इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, डाइनिंग हॉल इतना सा बता दूँ मैं, वाह देख सकते हो
वाओ अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे भी आई गेस वही है, ये तो पूरा का पूरा ऐसे म्यूजियम टाइप बना के रखा है। तो ये वाला एरिया जो है यह खाना बनाने के लिए, और जो हाँ यहाँ पे बन रहा है वो देख सकते हो आप, वो अभी भी बना रहे हैं, पिछले कुछ 400 सालों से अभी तक वो खाना बना रहे हैं। और उस साइड पे जो है, उस साइड पे वो डाइनिंग हॉल था, यहाँ से अंदर ही अंदर जाते थे, उस साइड से लेके वहाँ पे पड़ोसते थे, वहीं से खा पी के सॉरी यहीं पे सारा कुछ मतलब ख़त्म। अभी मुझे अतीब को ढूंढना पड़ेगा फिर से। अरे ये तो यहाँ पे पालकियाँ रखी हुई हैं, हाँ ये पालकियाँ ही हैं, वाओ ये सारी की सारी उसी ज़माने की हैं। पूरा तो म्यूज़ियम बना के रखा हुआ भाई यहाँ पे। तो मैं अंदर करता हूँ यहाँ फ़ोन को। मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं चलता फिरता कहीं पे वॉशरूम्स में आ गया हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं क्या है ये, मेरे को पूरे के पूरे वॉशरूम्स की वाइब दे रहे हैं। और बंदे सारे नीचे चले गए, और आधी अभी तक मतलब हमने जो है आधा फोर्ट जो है वो कवर नहीं करा, हम एक ही साइड पे घूम रहे। फोर्ट बहुत बड़ा है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लोर करूँगा। सहरी टाइम आ जाऊँगा, सहरी खा के पूरे दिन जो है सिर्फ फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे हम। ये वॉशरूम से बाहर निकलते हैं ना। पता है मुझे कितनी कॉल्स आ गई हैं नीचे से, सारे जा रहे हैं बंदे और हम दोनों बस यहाँ पे हैं। खज्जल कुमार अभी हम घूम फिर के जो है यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ से ऊपर का रास्ता बंद है। वाओ अभी जो हम वहाँ पे जाएंगे गाइस, वहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे और फिर नीचे चलते हैं। पहले से जा चुका है वापस। तू घूम के अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रन लो। दूसरे एंड पे अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, और वो भी जब हम कैमरा को हम अपने GoPro के साथ। बच्चे जाके बार बार 10 बार कॉल कर चुके हैं हमें, खुद तो वो घूम सके नहीं और हमें भी घूमने दे रहे हैं, हमें बस ऐसे उंगली। चलो चलो चल चल। ऐसे हो रहा है कि सिर्फ मैं और अतीब बचे हुए, बाकी सारे बंदे निकलने के लिए तैयार थे। वहाँ से निकले और यहाँ पे जल महल की साइड पे आके हमारा जो लास्ट स्टॉप है आज दिन का यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। डल लेक में भी ऐसा ही है, पर सराउंडिंग्स पे हाईवे है, और यहाँ पे जो है जल महल को छेड़ा नहीं गया थोड़ा सा भी, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही स्टॉप्स बनाए गए हैं रुके। वो हमारी कॉलेज की बस लगी हुई है, और इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म।